अरे हनुमान कहो, माता सीता की खोज के क्या समाचार लाए हो? प्रभु श्री राम की जय और आपके आशीर्वाद से मैं माता सीता के शुभ समाचार लाया हूँ। माता सीता लंकेश के पास अशोक वाटिका में खुशी फरोख की। हे हनुमान, क्या तुम सत्य कह रहे हो? क्या तुम मेरी जानकी से मिलकर आए हो? वो कुशल तो है, और क्या संदेश भेजा है उन्होंने? महाराज, माता सीता ने कहा है कि मुझे जल्द से जल्द इस रावण की कैद से छुड़ा ले जाए, वरना माता सीता इन राक्षसों के बीच अपने प्राण त्याग दे देगी। हनुमान, क्या माता सीता ने कोई संदेश भेजा है? हाँ महाराज, उन्होंने कहा है कि मुझे रावण की कैद से छुड़ा ले जाए, वरना माता सीता अपने प्राण त्याग दे देगी इन राक्षसों के बीच। अरे अंगद, तुम शांति दूत बनकर रावण के दरबार में जाओ और रावण से कहो अब भी समय है, माता सीता को लौटा दे, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाए। जो आगे महाराज, मैं भी जाता हूँ। कहा उस वानर ने हमारी लंका का जला दिया। मेरे मत में ये के सबसे बढ़कर अनीति कार्य किया आपने, उनकी पत्नी का हरण करके। महाराज, हमने ही भूल की है, हमें अपनी भूल का सुधार करके देवी सीता को अदर सहित उनके पति के पास पहुंचा देना चाहिए। विभीषण, तेरे सिवा किसी और ने पल्लव किया होता तो इसी क्षण वो अपने हाथों से प्राण दे देता। हमें भी लाओ ना। घर का पेट बताने वाले हमें नीति और धर्म सिखा रहे, जाकर उन वनवासियों को नीति सिखा। चल निकल जा। जलाई थी लंका हनुमान ने, तब भी समझ ना पाए आप, विनती मेरी लौटा दो सीता को आप। जा निकल जा यहाँ से। हमारे दरबार में हमारे शत्रु को रे दूत कौन है और किसका दूत बनकर आया है? महाराज रावण, अंगद मेरा नाम है,
वीर बाली का मैं पुत्र हूँ। मेरे पिता की किसी समय तुमसे मित्रता थी, इसलिए आज मैं यहाँ तुम्हारे भले के लिए तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हें याद कराने आया हूँ। तुम ऊंचे कुल के हो, तुमने शिव जी और ब्रह्मा जी की तपस्या की है जिससे तुम्हें बहुत से वरदान प्राप्त हुए हैं, परंतु इतने ज्ञानी होने के बाद भी तुमने ऐसा निष्काम किया कि प्रभु श्री राम की पत्नी जो कि एक पतिव्रता स्त्री है जिसको तुमने छल से हार लिया, मैं उसी प्रभु श्री राम का दूत हूँ। अरे रावण, इतने ज्ञानी होने के बाद भी तुमने ऐसा निष्काम किया, चुप हो जा तू। अगर तू शांति दूत ना होता इसी समय तेरी मृत्यु निश्चिंत थी। तू अपने आप को वीर बाली का तप कह रहा है, कुछ तपस्वियों का दूत बना हुआ है। लगता है तुझे बाली का ज्ञान नहीं, बाली तो मेरा बहुत ही प्रिय मित्र था। अरे रावण, मेरे पिता बाली को अपना मित्र कहते हुए तुम्हें जरा भी लाज नहीं आई क्या? तुम भूल गए मेरे पिता बाली ने तुम्हें अपने बगल में 6 माह तक दबाए रखा था। अरे मूर्ख, तू वीर नहीं कायर है, कायर अबला नारी स्त्री को हार लाया और अपने आप को सूरवीर कहता है। अरे रावण, तुझे खुद पर इतना मान है, अपनी शक्ति पे क्यों इतना अभिमान है? क्यों तू यह भूल गया कि तीनों लोगों के सपनी केवल श्री राम है? ए अंगद, मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं। यदि किसी को याद दिलाना है तो अपने राम से के, अब भी समय है, लौट जा, वरना अपने साथ इन वानरों का भी सर्वनाश देखेगा। अरे रावण, तू तो ऐसा कह रहा है जैसे तू ही मृत्यु का राजा है और मृत्यु तुम्हारे द्वार पर हाथ जोड़े खड़ी है। तू तो ये भी भूल गया प्रभु श्री राम तीनों लोगों के स्वामी श्री विष्णु के अवतार हैं और सारे देवी देवता उनके आगे नमस्कार करते हैं। रही बात हम मानव जाति की, जितने प्रभु श्री राम रखे उसे कौन मार सकता है? रावण से कौन मार सकता है? राक्षसों, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। अरे रावण, मैं बाली पुत्र अंगद श्री राम की ओर से तुम्हारे इस बड़े सभा में चुनौती देता हूँ, अगर किसी ने मेरा यह सीधा पैर दंती से उठा लिया तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हारी जीत और प्रभु श्री राम की हार होगी। मेरे लंका के वीरों, मेरे राक्षसों, इसका पैर उठा के सभा से बाहर फेंक दो।
काशी कुंभकर्ण को जगा लाओ। जो आ गया पिताश्री, मैं अभी जाता हूँ और काका श्री कुंभकर्ण को जगा के ले आता हूँ। काकाश्री, अरे ओ काकाश्री, काकाश्री, अरे काकाश्री, अरे राक्षसो काकाश्री को उठाओ। काकाश्री, अरे काकाश्री, अरे राक्षसो काकाश्री को जल्दी उठाओ। अरे मैं तो जलेबी और फाफड़ा मदरा पी के सो रहा था, कहां ने जिसने मुझे उठाया। भाई काट यार है, करने बाहर जाओ, बेचारे की वीडियो भी खराब माया बन रहा है। काकाश्री, मैं इंदर जी, लंका पे विपत्तियां पड़ी है और आप घोर निंद्रा में सो रहे हैं। क्या किसी देवता ने आक्रमण किया? चलो लंकेश के पास चलो। चले महाराज, लंकेश की जय हो। महाराज आपकी आज्ञा अनुसार मैं काकाश्री को उठाकर ले आया हूँ। आज आपने मुझे कैसे याद किया? भैया आज मैं बड़ी संकट में हूँ, इसीलिए आपको घोर निंद्रा से जगाना पड़ा। अयोध्या से तो राजकुमार आए हैं, एक का नाम राम तो दूसरे का लक्ष्मण है। उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी है, जिससे मेरा पुत्र अक्षय और खरदोषण मारे गए हैं। उन्हीं के दूध ने हमारी लंका को भी जला दिया है। भैया रावण, आप सीता को लौटा दीजिए, इसी में राक्षस जाति का कल्याण होगा। क्या तुम भी डर गए? जाओ फिर से सो जाओ। महाराज मेरे लिए क्या आदेश है? एक कुंभकर्ण आपके साथ तन मन से आपके साथ है। शाबाश, तुम्हारे जैसा बलवन पूरे जगत में कोई नहीं। जाओ रणभूमि में उनको मार कर ही हमें आनंद समाचार सुनाओ। जो आ गया भाता श्री।
प्रभु मैं महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। महाराज रावण ने मुझे अपमानित करके लंका से निकाल दिया है। मैं अपमानित होकर अपना परिवार धन संपत्ति सब छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। कृपा कीजिए, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। विभीषण, आप तो हमारे शत्रु को त्याग कर हमारे पास आए हैं, आप तो हमारे मित्र हैं। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण। हेलो अरे वारी ओए लखन लौट जाओ। तो पता तपस्यो क्यों अपनी मौत को पुकारते हो? अरे कुंभकर्ण, अब तू भी मरने के लिए आ गया। यदि तेरी यही इच्छा है तो ये राम तेरी इच्छा का उल्लंघन नहीं करेगा। सावधान सावधान।